सो फाइनली होंडा ने अपनी एक्टिवा एच स्मार्ट का स्पेशल एडिशन को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर दिया है, जिसपे दोस्तों कंपनी ने काफ़ी सारे चेंजेस और अपडेट भी किए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को चेंजेस के बारे में ही बताता हूँ कि पहले के मुकाबले क्या कुछ चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहला जो चेंजेस है दोस्तों, ये आप लोग को स्कूटी के कलर पर ही देखने को मिलेगा, जो कि ये जो स्पेशल एडिशन है दोस्तों, इस पे आप लोग को दो कलर का यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि पहला दोस्तों ये ग्रे कलर है एंड सेकंड दोस्तों आप लोग को ये ब्लू कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस स्पेशल एडिशन पे जो आप लोग को यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। बाकी जो नॉर्मल एक्टिव आती है दोस्तों, उस पर आप लोग को कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो मेनली दोस्तों स्कूटी का आप लोग को कलर और ग्राफिक्स पे ही सबसे बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सभी चीजें आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल रही है पहले की तरह। जैसे दोस्तों स्कूटी पे आप लोग को LED का हेडलैम्प दिया गया है, साथ ही साथ स्कूटी पे दोस्तों आप लोग को फुल्ली एनालॉग का मीटर कंसोल दिया गया है, जिस पे दोस्तों आप लोग को नॉर्मल सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों स्कूटी पे जो आप लोग को एच स्मार्ट वाला फीचर भी देखने को मिलता है, यानी दोस्तों जो स्मार्ट की जो कीलेस वाला फीचर है वो आप लोग को इस स्कूटी पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस स्कूटी पे जो आप लोग को अलॉय व्हील्स भी दिया गया है, CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, साथ ही साथ स्कूटी पे आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक कर दिया गया है और रियर पे दोस्तों आप लोग को 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को इंजन के बारे में भी बताऊं तो इंजन भी दोस्तों एग्जैक्टली पहले तरह ही आप लोग को 109.51 सीसी का एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों स्कूटी पे आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 केपेबल इंजन दिया गया है, यानी दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो आप लोग इस स्कूटी पे यूज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 7.73 BHP तक की पावर और 8.9 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि स्कूटी पे दोस्तों आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट नहीं दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोग को माइलेज के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को इस स्कूटी से 40 से लेकर 45 KMPL के बीच में आप लोग को माइलेज देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस स्कूटी के प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये पहले के मुकाबले ₹1000 बढ़ा दिया गया है और अब आप लोग को इस स्कूटी का जो ऑन रोड प्राइस है ये लगभग आप लोग को ₹1,02,000 के आसपास में देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि इस स्कूटी पे दोस्तों जो आप लोग को स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलता है, ये दोस्तों आप लोग को 3 साल तक की देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों आपके पास जो है अब एक और ऑप्शन है, जो कि आप चाहें तो इस स्कूटी का जो है 7 साल तक का जो है एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, यानी दोस्तों इस स्कूटी का जो ओवरऑल वारंटी है ये लगभग दोस्तों 10 साल तक का हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। यहाँ पे दोस्तों पहले के मुकाबले कुछ ये सारे अपडेट और चेंजेस किए गए हैं, इसके अलावा सभी चीजें आप लोग को एग्जैक्टली पहले की तरह देखने को मिलती हैं। तो अब आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को इस स्कूटी का जो अपडेट है, ये चेंजेस है, ये आप लोग को कैसा लगा और आपके हिसाब से इस स्कूटी पे जो है और क्या कुछ अपडेट या फिर चेंजेस होने चाहिए थे, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।